और यमुनानगर में रेलवे रोड स्थित लाल द्वार के पास एजेंसी के बाहर दो गुटों में झगड़ा हो गया। इसमें एक नौजवान युवक ने अपने अवैध हथियार से दूसरे पक्ष पर जानलेवा फायरिंग कर और वो फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस की विभिन्न टीमें मौके पर पहुंची है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने जांच में एक युवक के खिलाफ 307 आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। ये दो ग्रुप का कोई झगड़ा था, उसमें फायर हुए और उन्होंने दर्ज कर दिया गया, जांच चल रही है। कहाँ फायर था, कब से झगड़े चल रहे हैं, पता लगा अब तक? हाँ, कल शाम को ये झगड़ा हुआ था साईं बाबा साईं ऑटो के पास, और उसमें मुकदमा दर्ज करके भी जांच चलती है। रूम कर ले, बेबी इतना ही है। कुट्ठो ले रहा है, वीडियो बना वीडियो। तो अवैध हथियारों से ये फायरिंग की गई है और दो गुटों में ये झड़प जो है वो देखी गई है। दिन दहाड़े फायरिंग से पूरे यमुनानगर इलाके में हड़कंप का माहौल भी देखने को मिल रहा है। रूम कर ले, बेबी इतना ही है। कुट्ठो ले रहा है। इस बीच पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच की जा रही है और कानून व्यवस्था किसी भी तरह से बिगड़ने नहीं दी जाएगी। जिन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया उन पर सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है। संवाददाता सुनील गुर्जर हैं हमारे साथ यमुनानगर से। सुनील, बताइए पूरी जानकारियां। जी देखिए, यह जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है और एक लाइव वीडियो सामने आई है, जिसमें जो है एक युवक फायरिंग करता दिखाई दे रहा है। जब यह पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस ने एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर इनकी तलाश शुरू कर दी है, और पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जल्द ही आरोपियों को काबू कर लिया जाएगा। इसमें अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि ये आरोपी हैं कौन। हालांकि इतनी बात जरूर सामने आई है कि दो गुटों में झगड़ा हुआ है, लेकिन अभी यह वजह सामने नहीं आई है कि किस वजह से इनका झगड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारियों के लिए सुनील। तो अभी तक इस बात का स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया है, जानकारी हाथ नहीं लग पाई है कि वारदात को अंजाम क्यों दिया गया, घटना के पीछे कारण क्या कुछ रहे हैं, लेकिन पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ जो अपराधी हैं उनकी तलाश कर रही है।